नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। 10 जून बाद सूर्य ग्रहण लग रहे हैं और यह सूर्य ग्रहण 148 साल बाद लग रहा है दोस्तों। और इस दिन खास बात, शनि जयंती है। अगर आप भी काला जादू से परेशान हैं, दुख से, गरीबी से हमेशा जूझ रहे हैं, तो आज के दिन यानी कि सूर्य ग्रहण के दिन यह उपाय अवश्य कर ले। और एक ऐसा चीज के बारे में बताऊंगा जिसे गंदे पानी में फेंकना है, ये चीज बिल्कुल ही आपकी सारा तकलीफ को दूर कर देंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह भी नहीं है। अगर आपके ऊपर किसी ने निगेटिविटी कर दी है, आपके परिवार के ऊपर किसी ने निगेटिविटी कर दी है, तो दोस्तों अगर आपको भी किसी भी प्रकार के काम में मन नहीं लगता, सफलता हासिल नहीं हो पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। कल के दिन यह उपाय अवश्य कर लीजिए, पूरे आपकी जिंदगी दोस्तों संवर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान की जानकारी सिखाते हैं। एक बात बताना चाहूंगा मित्रों, आप सभी लोगों को, आप कहीं पर भी आगे बढ़ने के लिए चले जाइए, अगर किसी ने निगेटिविटी कर दी है, कुछ कर दी है, तो दोस्तों उस रास्ते को आप स्वयं धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे। यानी कि जो आप भी रास्ते में चले हैं आगे बढ़ने के लिए, उस रास्ते को छोड़ देंगे, आप खुद उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन निगेटिविटी के कारण जहाँ पे आपकी प्रोग्रेस लीक है, वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाते हैं। और ऐसा ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि बॉडी भरा भरा टाइप का लगने लगता है, शरीर को किसी ने दबा रहा है, इस टाइप का लगने लगता है। अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कल बिल्कुल ही फटाफट ये उपाय कर लेना दोस्तों, क्योंकि निगेटिविटी अगर ज़्यादा हावी हो जाए तो हमें अकाल मृत्यु भी होने का खतरा रहता है। पूरे घर परिवार को बांधा जाता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन घर में लक्ष्मी भी आने नहीं देते। कल ये छोटा सा उपाय कर लेना, पूरे जिंदगी आप दोस्तों ऐशो आराम में खेलेंगे। और अगर किसी को निगेटिविटी नहीं, फिर भी यह उपाय अवश्य कर लेना, आपके घर हल्का हल्का टाइप से लगने लगेंगे और लक्ष्मी दौड़े चले आएंगे। जो सूर्य ग्रहण का टाइम है, मैं आप सभी मित्रों को बता दूं, ये दोपहर 1:42 से शुरू होगा और शाम 6:41 तक रहेगा। 5 घंटा का सूर्य ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण के दिन आपको उपाय करना क्या है सुन लीजिए। तो ग्रहण काल में 1 नींबू लेना है, 2 लौंग लेना है, फूल वाला लौंग लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बंदन लेना है और थोड़ा सा आपको पीसा हुआ फिटकरी लेना है। ये सारे चीज आज ही मार्केट से ले आइए। इसके बाद नींबू को 2 टुकड़े में आपको काट लेना है, उल्टा तरफ से काटना है, यानी कि नीचे की तरफ से काटना है, ऊपर की तरफ से नहीं काटना है। और ये पूरे चीज़ों को, ये चारों चीज़ों को पूरे घर में आपको घुमाना है। थोड़ा सा आप जो है गुंगुल का भी धूप दिखा सकते हैं। और इसे सभी लोगों के शरीर से सशस्त्र बार उतारना है। आपके घर में जितने भी लोग हैं उनके शरीर से ये सारे चीज़ों को सशस्त्र बार उतारना है और गंदे पानी में फेंक देना है। जैसे कि गटर का पानी है, नाले का पानी है, या गंदी चीज़ है जहाँ पे आपको लगता है कि सड़ा गला चीज़ फेंका हुआ है, वहाँ पे फेंक दीजिए। तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो गंदी ऊर्जा रहते हैं, किसी ने किया कराया कर देते हैं, निगेटिविटी रहते हैं, जिसके चलते हमारे प्रोग्रेस नहीं हो पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो गंदी चीज गंदे जगहों पे चले जाते हैं। और ये उपाय आपको करना क्या है, ये 6:42 के बाद ही ये उपाय करना है, इससे पहले आपको नहीं करना है कल की डेट में। तो बिल्कुल निगेटिविटी दूर हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेंगे कि आपके शरीर जो है हल्का लग रहा है, किसी ने आपके सिर को दबा के रखा था, और लक्ष्मी की कृपा मिलना शुरू हो जाएंगे। और आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी ने लक्ष्मी को बांधा था, धन दौलत सभी वस्तु स्वतः ही आपको मिल जाएंगी, जो आपकी किस्मत में लिखा है, धन दौलत जितने भी आपके वस्तु किस्मत में लिखे हैं मिल जाएंगे। किसी ने बांधे फिर भी बाल भी बांका आपके नहीं कर पाएंगे, छोटा सा उपाय करें, इस उपाय से आपके प्रोग्रेस के रास्ता खुल जाएंगे। किसी को अगर निगेटिविटी नहीं है, फिर भी यह उपाय अवश्य कर लेना, क्योंकि हमें पता नहीं चलता हमारे कुंडलियों में भी दोष रहते हैं, तो ये उपाय करने से सभी प्रकार के दोष शांत हो जाते हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।